हेलो एवरीवन, प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस में हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का टॉपिक कवर कर रहे हैं और आज हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास फंक्शंस। सो बेसिकली हम सी प्लस प्लस में क्लास फंक्शंस को तीन डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। एक होते हैं एक्सेसर फंक्शंस, दूसरे होते हैं म्यूटेटर फंक्शंस और तीसरे होते हैं मैनेजर फंक्शंस। बट ऐसा नहीं है कि हम किसी फंक्शन के आगे एक्सेसर, म्यूटेटर या मैनेजर वर्ड को लिखते हैं। सिंपल फंक्शन ही बनाते हैं बट उनको कैटेगराइज करने के लिए, उनकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से कैटेगराइज करने के लिए ये तीन नाम दिए गए। तो सबसे पहले आते हैं एक्सेसर फंक्शन। एक्सेसर फंक्शन क्या होते हैं? दीज फंक्शंस अलाउज टू एक्सेस द डाटा मेंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, कि एक क्लास के जो डाटा मेंबर्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उनको एक्सेस करने के लिए हम एक्सेसर फंक्शंस बनाते हैं। सो अगर किसी फंक्शन में हम सिर्फ एक्सेस कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे, तो वो कहलाएगा एक्सेसर फंक्शन। ठीक है, इसका मेन यूज़ क्या होता है? मेन यूज़ ऑफ एक्सेसर फंक्शन इज़ टू रीड वैल्यूज़ ऑफ प्राइवेट डाटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास, क्योंकि प्राइवेट डाटा मेंबर्स को आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से या क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, तो उनको एक्सेस करने के लिए हम एक्सेसर फंक्शन का यूज़ करते हैं, क्योंकि प्राइवेट डाटा मेंबर्स आर डायरेक्टली नॉट एक्सेसिबल इन नॉन मेंबर फंक्शंस। तो एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रोग्राम का, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि एक्सेसर फंक्शन आखिर में है क्या। ठीक है, सो लेट अस क्रिएट ए क्लास। एक क्लास बनाता हूँ मैं, सपोज क्लास स्टूडेंट। और इसके अंदर एक प्राइवेट हम मेंबर बनाएंगे, डाटा वेरिएबल्स बनाएंगे। सपोज मैंने दो प्राइवेट मेंबर्स बनाए, एक मार्क्स बनाया इंट मार्क्स और एक मैंने रोल नंबर। दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स बनाए, दोनों को मैंने प्राइवेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? हम कुछ फंक्शंस क्रिएट करेंगे जिनको हम बोलेंगे एक्सेसर फंक्शंस। सपोज किसी स्टूडेंट का रोल नंबर अगर मुझे क्लास के बाहर लेना है, तो मैं क्या करूँगा? एक मैं फंक्शन बनाऊँगा, फॉर एग्जांपल इंट रिटर्न रोल नंबर करके, और यहाँ से मैं सिंपल इसकी वैल्यू को रिटर्न कर दूँगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम बेसिकली इस मेंबर वेरिएबल को, इस प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं, वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ एक्सेस कर रहे हैं। ऐसे हो सकता है मैं एक फंक्शन बनाऊँ जिसमें मार्क्स को भी रिटर्न करूँ, तो वो भी एक्सेसर फंक्शन कहलाएगा। सपोज एक बना लेते हैं हम, इंट रिटर्न मार्क्स भी एक मैं बना लेता हूँ, और यहाँ से मैं मार्क्स की वैल्यू को रिटर्न करा लूँगा। ठीक है, और इस क्लास को मैंने बंद कर दिया। अब देखो क्या है कि ये जो दोनों वेरिएबल्स थे, दे आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट है। बट अगर मुझे मेन फंक्शन में जो कि इसके बाहर लिखा है, या कोई दूसरा फंक्शन जिसमें, जो इस क्लास के बाहर लिखा है, उसमें मुझे इन दोनों की वैल्यूज़ को यूज़ करना है, रोल नंबर और मार्क्स को, तो मैं क्या करूँगा? दो फंक्शंस मैंने बनाए और इन फंक्शंस में से इनकी वैल्यूज़ को रिटर्न करा लिया। सो दैट इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड एज एक्सेसर फंक्शंस। क्यों? क्योंकि ये एक डाटा फील्ड की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए ये कहलाते हैं एक्सेसर फंक्शंस। और इनकी नीड इसलिए ही है क्योंकि हम प्राइवेट डाटा मेंबर्स को आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते, तो हम एक्सेसर फंक्शंस बनाते हैं जिसमें हम प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि पब्लिक को नहीं कर सकते, बट जो इनका मेन काम है वो है प्राइवेट को एक्सेस करना। नाउ लेट अस सी म्यूटेटर फंक्शंस। म्यूटेटर के नाम से पता लग रहा है, दिस फंक्शंस अलाउज अस टू चेंज द डाटा मेंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि अब हम किसी डाटा वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे टोटल मार्क्स का एक फंक्शन बनाता, या ग्रेडिंग का एक फंक्शन बनाता, सपोज मैं बनाता फॉर एग्जांपल void ग्रेड, कि स्टूडेंट का ग्रेड क्या है। ठीक है, अगर हम कोई एक फंक्शन बनाते कि स्टूडेंट का ग्रेड क्या है, और मैंने यहाँ पे एक करेक्टर टाइप का बना रखा है वेरिएबल जी, जो ग्रेड को डिसाइड कर रहा है। ठीक है,
अब देखो क्या होता है यहाँ पे, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ. सपोज इफ इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75, कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 75 से ज़्यादा हैं तो जो ग्रेड है उसकी वैल्यू को मैं सेट कर देता हूँ 1. भाई सबसे अच्छा बच्चा है, टॉप ग्रेड का बच्चा. ऐसी अगर किसी के मार्क्स हैं, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, तो मैं जी की वैल्यू को सेट कर देता हूँ 2. ऐसी मैं और भी चीज़ें यहाँ पे कर सकता हूँ. अब ये फंक्शन म्यूटेटर फंक्शन क्यों है? बिकॉज इट इज़ चेंजिंग द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल. सो सिंस वैल्यू ऑफ वेरिएबल जी इज चेंज्ड हेयर, इट इज कॉल्ड एज म्यूटेटर फंक्शन. ठीक है, अगर किसी डाटा वेरिएबल की वैल्यू को कोई फंक्शन चेंज करता है तो उसको हम कहते हैं म्यूटेटर फंक्शन. तो ये जो ग्रेड है ना, ये म्यूटेटर फंक्शन का एग्जांपल है, बिकॉज इट इज़ चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एन डाटा मेंबर. ठीक है, सो दो टाइप के हमने फंक्शन टाइप्स पढ़ लिए, एक्सेसर जो सिर्फ एक्सेस करता है और म्यूटेटर जो वैल्यूज़ को चेंज करता है. देन द थर्ड टाइप ऑफ फंक्शंस आर मैनेजर फंक्शंस. ये स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं और दो इनके टाइप हैं, एक है कंस्ट्रक्टर और एक है डिस्ट्रक्टर्स. आगे पूरा चैप्टर है कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स का, हम उसमें कवर करेंगे. सो बेसिकली मैं आपको बता दूँ कंस्ट्रक्टर होता क्या है. कंस्ट्रक्टर इज़ यूज टू इनिशलाइज द डाटा मेम्बर्स, कि जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है. इट इज़ यूज टू इनिशलाइज द डाटा मेम्बर्स. और ये कब कॉल होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लिख सकते हो. एंड इट इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिकली. ये इम्पॉर्टेंट है कि ऑटोमेटिकली अपने आप कॉल होता है. कब कॉल होता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. ठीक है, अब इसी का उल्टा होता है डिस्ट्रक्टर्स. इट इज़ यूज टू डी इनिशलाइज और डिस्ट्रॉइंग द ऑब्जेक्ट्स. सो इट डिस्ट्रॉयज द ऑब्जेक्ट्स. तो जब एक क्लास का स्कोप ख़त्म होता है या एक ऑब्जेक्ट का काम ख़त्म होता है तो डिस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है. तो ये मैनेजर फंक्शंस हो गए. नाउ व्हाट इज़ द नीड ऑफ एक्सेसर एंड म्यूटेटर. सो अगर ये क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज़ द नीड ऑफ एक्सेसर एंड म्यूटेटर्स, then in this you have to explain that private data members are not accessible outside the class. So उनको accessible बनाने के लिए accessor और mutator का use होता है. और उसके बाद आपको ये भी explain करना होगा why private members are needed. So they are needed for better security. क्योंकि अगर आप सारे variables को, सारे member functions को पब्लिक बना दोगे तो कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है आउटसाइड द क्लास. सो बेटर सिक्योरिटी के लिए हम क्या करते हैं, उनको प्राइवेट बनाते हैं और फिर उनको एक्सेस करने के लिए हम कुछ फंक्शंस को बनाते हैं. सो दैट इज़ द मेन रीज़न व्हाई वी नीड एक्सेसर एंड म्यूटेटर फंक्शंस. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स. एंड बिफोर क्लोजिंग द लेक्चर आई वॉन्ट टू टेल वन थिंग ऑल्सो, दैट एक्सेसर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज गेटर्स. सो कई बुक्स हो सकती हैं उसमें लिखा होगा एक्सेसर, इनको हम गेटर्स भी बोलते हैं. एंड म्यूटेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेटर्स. तो अगर आपको क्वेश्चन में गेटर और सेटर करके पूछा है तो आपको पता होना चाहिए वो एक्सेसर और म्यूटेटर ही पूछ रहे हैं. सो कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें. ठीक है, so this is all about for this particular video lecture. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.